हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर चौधरी ईवी एंड म्यूजिक लवर। डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द मेकिंग ऑफ बैटरी पैक फॉर वन ऑफ माय प्रोजेक्ट ई बाइक। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस बैटरी पैक। दिस इज 10S एंड 7P। एज यू कैन सी हियर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, negative, positive, and so on. 10S and 7P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is negative. This whole side is positive. This is negative, positive, and so on. So, dear friends, I am going to make the video for its making, how to connect it. First of all, what you have to do is you have to take cell holders, as I have told you in my previous video. Cell holders लेकर के हम लोग cells को slot में डालते हैं according to your configuration, जैसा आप बनाना चाहते हैं। तो ये हम बनाने जा रहे हैं 36 volt और 7 parallel. The per parallel will give 2.5 Ah, so around 17.5 Ah. The capacity of this battery pack will be 17.5 Ah, 36 volt 17.5 Ah. So dear friends, the most unique thing about this making is that I am not going to use any spot welding machine. Yes, you heard it correctly, I am not going to use spot welding machine, but I promise that I will show the exact voltage, that is 42 volt after the making of this battery pack. Because the method I am going to use in this making battery pack is quite tough, but if you try it, you can also do it. If somebody is interested in making battery pack by themselves for their e-bike, then they can try it. तो बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले करना क्या है कि मैंने ये सेल्स को, सेल्स का जो टर्मिनल्स है उसको मैंने थोड़ा थोड़ा सैंड पेपर से घिसा है, रब किया है, क्योंकि कोटिंग रहती है तो सोल्डर बहुत जल्दी पकड़ती है। ओके, तो सारे को मैंने कोटिंग किया है, दिस साइड ऑल्सो एंड दैट साइड ऑल्सो, सॉरी, रब किया है। अब क्या करेंगे, ये देखिए, पेस्ट अच्छे से हाथ में ले लेंगे, सोल्डरिंग पेस्ट अच्छे से हाथ में लेंगे और प्रत्येक सेल पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। क्योंकि पहले हम लोगों को क्या करना है, पहले थोड़ा सोल्डरिंग का डॉट्स बनाना है, जहाँ पे हम लोग सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कर सकते। उस डायरेक्ट अगर वायर लगाने हम जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, और बहुत टाइम लगेगा तो बहुत ज़्यादा हीट डेवलप होगी, और बहुत ज़्यादा हीट डेवलप्ड होगी तो लिथियम सेल खराब होने का चांसेस रहती है। ओके, तो ये देखिए, और मैंने पेस्ट हम लगा दिए हैं, और अच्छा सा सोल्डरिंग वायर, लोकल नहीं, अच्छा सा सोल्डरिंग वायर आप लीजिए। ओके, आयरन रॉड, सोल्डरिंग आयरन रॉड। फिर और एक चीज़ का ज़रूरत पड़ सकती है, दैट इज़ अ कूलिंग फैन। ओके, कूलिंग फैन। सबसे पहले इस पे आप ये कीजिए, और बहुत कम समय में इसको डॉट्स बनाना है। तो आप देख पाएंगे कि हम बहुत कम समय लेंगे और ये डॉट्स बन गए। एक बार फूंक दीजिएगा, फिर से वही प्रोसेस, बहुत कम समय लेना है, सो दैट द बैटरी इज नॉट हीटेड, और अच्छे से सोल्डरिंग भी होनी है। ये हो गया।
फिर करते हैं, थोड़ा आयरन रॉड को थोड़ा जोर से प्रेस करना अच्छा रहता है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा, बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि स्पॉट वेल्डिंग में गर्म होगा। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि उसका डिसएडवांटेज है। हाँ, ये टाइम मेकिंग है, तो अगर घर में आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। और हम 42 वोल्ट आपको दिखाएंगे। क्या होता है कि अगर हीट ज़्यादा हो जाने से, जब बैटरी पूरी तरह से बन जाती है, जब आप फुल चार्ज करते हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज नहीं जाती है, मतलब 42 होती है तो 40 के अराउंड जाती है। इन तो वो कौन सा केसेस में जाती है, जहाँ पे ज़्यादा हीटिंग हो जाती है वो केसेस में। तो देखते हैं इसको बना करके, ऐसे करके ये आप देख सकते हैं, एक लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके ऊपर फैन से, फैन को ऑन करके भी आप रख सकते हैं साइड में ऐसे, और उसके बाद जैसे ही आप सोल्डरिंग करेंगे उसको टिल्ट ऐसे कर दीजिएगा, तो ये क्या होती है, ठंडा होती है। फिर आप चेक कीजिएगा, चेक का मतलब कि कहीं उखड़ तो नहीं रहा है जो आपने किया है, क्योंकि वो बहुत ही स्टिफ होना चाहिए, नहीं तो फिर ब्रेक हो जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे तो नहीं लगता है कहीं पे कुछ है। बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। ऐसे टिल्ट कर लीजिएगा फैन को, ठंडा एकदम ही ठंडा है, गरम तो है ही नहीं। तो चलिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है, डॉट्स विद हेल्प ऑफ सोल्डरिंग आयरन, सारे डॉट्स मैंने कर लिया है, ये देख सकते हैं। और मैंने चेक भी कर लिया है, कोई निकल नहीं रहा है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है जानना। और बैटरी पूरी तरह से ही ठंडी है। इसका नेक साइड में भी मैंने किया है, इसका नेक साइड भी मैंने किया है। तो अब इस पे पहले पैरेलल कनेक्शन करेंगे फ्रेंड्स, आफ्टर दैट वी विल बी गोइंग फॉर सीरीज कनेक्शन। फर्स्ट वी विल डू द पैरेलल कनेक्शन एंड आफ्टर दैट सीरीज कनेक्शन। सो फ्रेंड्स, ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन, ये देख सकते हैं। एंड द अदर साइड ऑल्सो। अब इसको थोड़ा समझाते हैं। दिस इज नेगेटिव, द टोटल नेगेटिव, सो अदर साइड ऑफ दिस लाइन विल बी पॉजिटिव, विच विल गो टू दिस नेगेटिव। इसका पॉजिटिव, फिर इसका नेगेटिव, थर्ड लाइन पॉजिटिव टू फोर्थ लाइन नेगेटिव, ये कनेक्ट किया गया है इस तरह से। तो इसी तरह से सीरीज और पैरेलल कंप्लीट हो गई है। नाउ इट्स द टर्न टू ऐड BMS। दिस इज द BMS आई हैव बॉट, इट इज 10S 40 एम्प BMS, बैलेंस BMS। दिस इज द नेगेटिव, दिस इज B1, B2, B3, B4, B5, 6, 7, 8, 9 एंड फाइनली द लास्ट वन पॉजिटिव। तो अभी इसको ऐड हम करने जा रहे हैं। ओके, तो इसको इसका प्लेसमेंट कहीं यहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे डबल टेप से अच्छे से, फिर ये रैप हो जाएगी और काम तो बस इसको अब कनेक्ट करना है। उसके बाद
फिर कनेक्टर बैठाना है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए, फिर रैप करना है, आफ्टर दैट द वर्क विल बी कंप्लीटेड। सो द BMS कनेक्शन इज कंप्लीटेड। एज यू ऑल कैन सी द BMS इज कनेक्टेड। दिस इज फॉर द चार्जिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस विल बी द डिस्चार्ज आउटपुट दैट विल बी कनेक्टेड टू द कंट्रोलर, एंड दिस फॉर द चार्जिंग पोर्ट। एंड बिफोर पैकिंग द बैटरी पैक, आई सजेस्ट यू टू चेक वंस through your charger whether it is charging or not, because if there is any problem then you need not to open the battery pack again and again, because this is a very risky work in handling lithium ion batteries. It is a very risky work. Aur bina BMS ka to battery pack kabhi bhi bhul karke bhi mat banaiyega, kyunki blast hone ka dar rehti hai. Bahut sara cases aisa hua hai. To हर चीज़ का अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, तो हैंडलिंग के ऊपर है, बहुत अच्छे से हैंडलिंग कीजिएगा। और ना समझ में आए तो आप बैटरी पैक बनवा लीजिएगा, मुझसे भी बना सकते हैं या किसी और से भी बना सकते हैं। ओके, हाँ, मेरे पास चार्जेस बहुत कम लगेगी, ये बैटरी पैक का चार्जेस बहुत कम लगेगी, क्योंकि हम खुद बनाते हैं तो उतना चार्ज ज़्यादा नहीं लेते। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।